हाई गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम. दिस इज अ जनरल चिट चैट वीडियो, ज़्यादा कोई एजेंडा नहीं है इस वीडियो का, बट इट्स बीन अ वाइल, तो मैंने सोचा आती हूँ थोड़ी बातें बातें करते हैं. आई ऑल्सो हैव अ फ्यू थिंग्स जो मेरे दिमाग में चल रही है, एंड सिंस यू गाइज हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, मैंने सोचा यहाँ आके बात करते हैं उनके बारे में. बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, जनरली हाउ इज लाइफ गोइंग? आई थिंक अब सारे बच्चों का नेक्स्ट स्टैंडर्ड यानी कि ग्रेड शुरू होने वाला होगा. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आई थिंक मार्च में ब्रेक होता है, फिर अप्रैल से मई एक महीना शुरू होता है, और फिर जून जुलाई अगेन इज अ ब्रेक. एटलीस्ट यहाँ दिल्ली NCR में, UP में ये फॉलो करते हैं. बट आई नो कि गुजरात और कुछ स्टेट्स में, एटलीस्ट जब मैं स्कूल में थी तब हमारा एक प्रॉपर वेकेशन होता था, यानी UKG खत्म हो गया तो उसके बाद प्रॉपर 2-2.5 महीने का वेकेशन, उसके बाद ही फर्स्ट शुरू होगा. ऐसा आधा आधा वेकेशन नहीं होता था. बट या सो बिकॉज ऑफ दैट, अथर का जो पहला ब्रेक था वो खत्म हो गया है. मंडे से वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन विच इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, एंड आई थिंक आप में से काफी सारों के बच्चे नेक्स्ट वीक में फर्स्ट में चले जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड कंग्रेचुलेशंस. अब तो फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो रहा है, यानी अभी तक इन अ वे इट वॉज अ प्री स्कूल. सो आई फील वेरी एक्साइटेड, एंड कभी कभी आई ऑल्सो फील थोड़ा सा डिसबिलीफ सा फील होता है कि इतने बड़े कब हो गए बच्चे. यानी आई रिमेंबर आई स्टार्टेड दिस चैनल जब अथर अराउंड 2 ईयर्स से भी कम का था, और आप सब जो मेरे साथ जुड़ते गए उन सबके बच्चे भी उसी एज ग्रुप के थे, बोलना सीख रहे थे, खाना सीख रहे थे, यू नो. और उसमें से आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, अपनी अपनी बैग्स लेके लिखना शुरू करेंगे. सो इट्स वियर्ड, इट्स ऑल्सो अनरियल इन अ लॉट ऑफ वेज. आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों की यही फीलिंग्स होगी. एंड प्लस इट्स लाइक आई थिंक एटलीस्ट अथर के केस में तो उसका UKG में भी बहुत लंबा स्कूल था, तो हमारे लिए वो चेंज नहीं है. फर्स्ट में भी उसका सेम ही आर्स रहेंगे, अब 12th तक वही रहेगा. लेकिन आई थिंक आप में से काफ़ी सारों के बच्चे अभी UKG में जब जाते थे तब उनके 3 घंटे या 4 घंटे की स्कूल थी, और अब फर्स्ट में आएंगे तो दिल हैव अ लॉन्गर स्कूल. सो आई एम श्योर उसका भी थोड़ा सा वो नर्वसनेस होता है, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट टाइम मेरी हालत ख़राब थी ये सोच सोच के कि कैसे 6 घंटे वो स्कूल में निकालने वाला है, कैसे खाएगा या नहीं खाएगा, यू नो. सो मैनी थॉट्स वेर गोइंग ऑन इन माई माइंड, एंड आई वॉज वेरी नर्वस. ऑलमोस्ट पहले 2-3 महीने आई वॉज नर्वस, बट फिर सेट हो गए सब. और अथर तो मेरे से बहुत पहले सेट हो गया था, यानी मुझे 2-3 महीने लगे टू काइंड ऑफ गेट यूज टू दैट रूटीन. अथर सेट हो गया था, तो आप लोगों के भी बच्चे हो जाएंगे. अगर आप इस पॉइंट पर नर्वस फील कर रहे हो तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, बहुत आसानी से बच्चे सेट हो जाते हैं, एंड 2-3 महीने में आप भी सेट हो जाओगे. और उसके बाद बच्चों की छुट्टी होगी तब लगेगा कि अरे यार 5-6 घंटे गए होते तो अच्छा होता, वी वुड हैव गॉट सम फ्री टाइम और टाइम टू आवरसेल्व्स. सो इट्स लाइक दैट. और बच्चों के अब तो प्रॉपर सोशल ग्रुप्स भी बनने लगेंगे. अथर की स्कूल में ना ऐसे शफल कर देते हैं बच्चों को, हर 2 साल पे दे शफल ऑल द किड्स. यानी उसके इस क्लास में जो जो बच्चे थे वो कोई और सेक्शन में चले जाएंगे, कोई दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे. तो इन दैट वे अथर के लिए ये नया होगा कि इस साल जब वो जाएगा तो यू नो ही विल हैव अ न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम नॉट वेरी कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि अथर बहुत आसानी से जेल कर लेता है लोगों के साथ. ही विल टेक ओनली 1 or 2 days, प्लस उसके कुछ सोसाइटी के फ्रेंड्स उसी के सेक्शन में आ गए. सो दैट वेज यू नो 4-5 लोगों को तो वो जानता ही है. सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम वरीड अबाउट. इज दिस स्पेसिफिक टू अथर स्कूल? आई डोंट नो. या आपके बच्चों के साथ भी होता है कि हर 2 साल पे शफल करते? क्योंकि हमारे साथ तो ये नहीं होता था, यानी मेरी स्कूल में होता ही नहीं था ये. ऑल्सो बिकॉज हमारे टाइम पे इतने सारे सेक्शंस भी नहीं होते थे स्कूल में, और एक ही क्लास में 50-60 बच्चे होते थे. हियर दे ओनली हैव 20-25 किड्स, तो आई थिंक इसलिए इतने सारे सेक्शन होते हैं. बट या सो दैट्स अ गुड थिंग अ बैड थिंग. बहुत सारे लोग मुझसे स्कूल असेंशियल्स पे कह रहे हैं वीडियो करने को. सो मैंने लास्ट ईयर एक किया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें शेयर की थी. इस साल ऑनेस्टली मैंने कुछ भी शॉप नहीं किया है अथर्व के स्कूल के पर्स्पेक्टिव से. आई वॉन्ट टू, यानी शूज़ वूज खरीदे हमने उस, और यूनिफॉर्म और बुक्स ऑब्वियसली, बट उसके अलावा जो लंच बॉक्स, स्कूल बैग, वाटर बॉटल ये सब है, पेंसिल बॉक्स इस साल से अथर को ले जाना है, लास्ट ईयर वो भी नहीं ले जाना था. तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं खरीदी है अभी, ऑनेस्टली टाइम भी नहीं मिला. और प्लस मुझे लगा कि ये जो 1 महीने के लिए स्कूल शुरू होती है उसमें मैं पुरानी चीज़ों से काम चला सकती हूँ, एंड यू नो देन आफ्टर द 2-month break जब वो यू नो फिर से शुरू करेगा तब मैं उसके लिए सारी चीज़ें नहीं लूँगी. क्योंकि वरना बहुत हाई चांसेस है कि वेकेशन में ही वो चीज़ें पेंसिल बॉक्स टूट के इधर हो जाएगा, लंच बॉक्स कहीं पड़ा होगा, वाटर बॉटल का पता नहीं, जिद करेगा कि ये वाली यूज़ करनी है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई हैवेंट इन्वेस्टेड इन दोज थिंग्स, बट जैसे ही मैं खरीदूंगी आई डेफिनेटली शेयर दोज डिटेल्स विथ यू टू.
इस साल से बड़े बड़े लंच बॉक्सेस भी भेजने पड़ेंगे बहुत सारे लोगों को. अगेन थैंकफुली आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम क्योंकि स्कूल में लंच है, लेकिन आई ट्राई टू शेयर लंच बॉक्स आइडियाज भी बीच बीच में. आई हैव रियलाइज कि आप लोगों को उस तरह के वीडियोज पसंद है. बट हाँ, यानी उस चीज़ से मुझे दूसरा पॉइंट याद आ रहा है जिसके लिए जो मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रही थी इस वीडियो में, एंड दैट वॉज अबाउट द फ्यूचर ऑफ माई यूट्यूब चैनल. सो आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज, और ये कन्फ्यूजन काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं है. इट्स बिन अराउंड 3-4 मंथ्स जब से मैं सोची हूँ, और हमेशा से ये थॉट थोड़ा बहुत तो था ही. सो द थिंग इज आई एम कंटिन्यूइंग विथ माई यूट्यूब चैनल, सो दिस इज नॉट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ वीडियो जहाँ पे मैं करूँ ना करूँ वाला डिटेल्स करियो. आई लव डूइंग दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस. कितना करूँगी, किस तरह का करूँगी इज वॉट आई वॉन्ट टू डिस्कस. बिकॉज सो फार क्या होता था कि मेरी चैनल का मेन USP was activities related videos हो गए या learning related videos हो गए. अब मैंने realize किया कि उसकी audience एक तो limited होती है, खास करके जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, क्योंकि पूरा school में काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं वो, घर पर आपको इतना सब नहीं करवाना पड़ता, इतना time भी नहीं होता क्योंकि बच्चे school जाते हैं फिर उनका school का homework करते हैं, तो इतना time भी नहीं होता activity specific चीज़ें करने का. सो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते, यानी अथर्व के साथ वाले आप लोग सब हो मेरे साथ, जैसे जैसे वो एज ग्रुप क्रॉस करते जाते हैं तो वो ऑडियंस धीरे धीरे कम होती जाती है, और वीडियोस पे अकॉर्डिंगली जो यू नो व्यूज़ है वो भी मेरे कम होते जा रहे हैं. एंड आई नो कि अब क्या 1 साल और 2 साल और उसके बाद ये और भी कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे खुद पढ़ना भी शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके. सो आई एम नॉट टू श्योर कि अब मैं इस चैनल को किस डिरेक्शन में ले जाऊँ. सो ऐसा नहीं है कि मैं इस चैनल पे सिर्फ एक्टिविटी रिलेटेड वीडियोस करती थी. आई यूज़ टू टॉक अबाउट ऑल थिंग्स पेरेंटिंग, मॉम्स से रिलेटेड, कपड़ों की शॉपिंग, शॉपिंग हॉल्स हो गए, सम फूड आइडियाज़ हो गए, अमेजोन से जो टॉयज बुक्स पजल्स हम खरीदते हैं वो हो गए. सो आई हैव बिन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट ये सारे का धीरे धीरे करके ऑडियंस कम होता जाएगा, विच आई कैन ऑलरेडी सी, एंड इज़ फेयर. यानी मैं भी अब नहीं देखती इतना पेरेंटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट. मेरा गूगल सर्च में कभी भी अब पेरेंटिंग रिलेटेड चीज़ें बहुत कम होती है, क्योंकि अब आ गया ना हम सबको सब करना, और अब बच्चे भी उतने बड़े हो गए कि बहुत सारी चीज़ें खुद खुद सीखने लगे हैं. यानी दे कैन लर्न यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑल्सो. सो वाइल कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टॉपिक्स जो नए हैं, कुछ कुछ फन तरीके जिससे बच्चे सीख सकते हैं, वो सब मैं शेयर करना चालू रखूंगी, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली एन्जॉय डूइंग. और हमारी वर्कशीट्स और ये सब भी आता रहेगा एटलीस्ट फॉर अ वाइल एज के साथ साथ. बट उसके अलावा का कॉन्टेंट इज समथिंग दैट आई एम रियली कन्फ्यूज अबाउट कि वॉट शुड आई डू विद दिस चैनल इन टर्म्स ऑफ दैट. ऑल्सो बिकॉज जो एक्टिविटी रिलेटेड वीडियोज़ थे पहले, मैं अथर के साथ काफ़ी फिल्म करती थी होम स्कूलिंग रिलेटेड वीडियोज़, तो आपको भी देखने में मज़ा आता था या समझ आता था कि अथर कैसे रिएक्ट कर रहा है, मैं किसी चीज़ को किसी तरीके से समझा रही हूँ तो उसके क्या क्वेश्चंस है, उसको मैं कैसे आंसर कर रही थी. तो इट वॉज़ लाइक अ वेरी इंटरैक्टिव थिंग, आप लोग रिलेट कर पाते थे. अब वो भी कम हो गए अगेन बिकॉज अथर की स्कूल शुरू हो गई है. प्लस अब मुझे लगता है कि अथर उस एज पर पहुँच गया है जहाँ उसको समझ आता है कि ये एक वीडियो है, उसको समझ आता है कि ये इंटरनेट पे जाता है. तो आई डोंट वॉन्ट हिम टू ग्रो अप विद दैट कॉन्शियसनेस कि वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है या उसको कितना आता है कितना नहीं आता है. वो सारी चीज़ें आर ऑन पब्लिक डिस्प्ले एंड ही गेट्स सम सेंस ऑफ प्राइड या सम सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ दैट. दोनों तरीके से हो सकता है, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन हिज पर्सनैलिटी. सो वो मैं थोड़ा सा लिमिट करती हूँ उस वजह से. दूसरा ये भी है कि अब उसके बहुत सारे स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं इंटरनेट पर दिखता रहता है ये सब के यूट्यूब चैनल पर अथर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो ना अननेसेसरी फिर कंपेरिजन्स होती है, एक एक्सपेक्टेशन का लोड आ जाता है बच्चे पे. सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. सो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि उसका साथ प्रॉपर ऐसे होम स्कूलिंग वीडियोज़ और ये सब करूँ. मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेती रहती हूँ, एंड देन यू नो व्हेन आई टॉक टू यू गाइज आई जस्ट शो दोज क्लिप्स साइड में, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग इट लाइक दैट फॉर मोस्ट पार्ट. कभी कभार ठीक है, बट मेजरली दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू डू इट. सो हाँ, सो ये तो कंटिन्यू होगा. जो दूसरा पार्ट है, बिकॉज कितनी एक्टिविटी वीडियोज़ हो सकती है, कितनी लर्निंग वीडियोज़ हो सकती है हफ्ते की 1-2, राइट. इसके अलावा का जो पार्ट है जिसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है ज़्यादातर, विच आर व्लॉग्स. बट देन पर्सनली आई एम नॉट द बेस्ट व्लॉगर. यानी मैंने ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, बट मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे कैमरा उठाना है रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए. प्लस एक साथ मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही होती हूँ कि मेरे पास वो एक्सक्लूसिव
ऑप्शन भी नहीं होता कि यू नो इस टाइम पे करो. दूसरा फैमिली पर्सपेक्टिव से भी यू नो सम फैमिलीज आर वेरी व्लॉग फ्रेंडली, यानी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एवरी वन इज ओके विथ फेसिंग द कैमरा और दे ओके के कभी भी कैमरा ऑन करके उनको फिल्म करने लगो. मेरे घर में क्योंकि निशित एक्चुअली वर्क्स फ्रॉम होम, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. यानी ए ही इज़ नॉट समवन हु इज़ वेरी कम्फर्टेबल विद द कैमरा, बी उसका काम चल रहा होता है एक कमरे में, बच्चे भी अभी यू नो उनको इतना समझ नहीं है, मीरा को हमेशा कैमरा पकड़ना होता है, माई मदर इन लॉ इज देयर, शी इज़ ऑब्वियसली नॉट वेरी कम्फर्टेबल. सो व्लॉगिंग बिकम्स अ चैलेंज विथ मी. हालांकि वीकली व्लॉग्स इज समथिंग विच आई कैन डेफिनेटली डू, बट अभी तक मैं वो क्लैरिटी नहीं ला पा रही कि इज़ दैट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू एंड इज़ दैट समथिंग जो आप लोग भी देखना चाहते हो. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट शुड आई इंक्लूड व्लॉग्स ऑल्सो. इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है जिसके बारे में आई एम पैशनेट एंड यू नो आई कैन शेयर इज मोर अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें कि हाउ आई रन अ बिजनेस, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, क्या किस तरह की बुक्स मैं पढ़ती हूँ और उससे मैं क्या क्या सीख रही हूँ, मैं कैसे अपना प्लानिंग स्केड्यूलिंग करती हूँ. यू नो आई एम नॉट द वन हु कैन मेक क्लीनिंग वीडियोज़ या ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज़ इतने सारे, बिकॉज वो मैं नहीं करती इतना सारा, यानी बेसिक चीज़ें करती हूँ, बट बहुत सारी मॉम्स बहुत ऑर्गेनाइज होती है एंड दैट्स देयर पैशन. आई एम नॉट दैट पर्सन, बट मैं लाइक लाइफ लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग होता है उसमें आई एम इंटरेस्टेड अ लॉट. पर्सनल डेवलपमेंट पे इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया, थेरेपी के बारे में, सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर करंटली बिग इन माई लाइफ. तो दैट्स अनदर टॉपिक जिस पर मैं बात कर सकती हूँ, बट क्या वो आप देखना चाहोगे इज अ बिगर क्वेश्चन. सो यही सब चीज़ें चल रही है माइंड में. आई वॉन्ट यू गाइज टू हेल्प मी आउट, यानी एक्टिविटी वीडियोज, लर्निंग वीडियोज, वो सारा विल बी अ पार्ट ऑफ द चैनल, बट मे बी 50%, बट बाकी का 50% है उसमें मैं क्या करूँ. बट या वुड यू लाइक टू सी इट इन फॉर्म ऑफ व्लॉग्स, वुड यू लाइक टू सी इट इन फॉर्म ऑफ ऐसे सारे छोटे छोटे वीडियोज अबाउट थिंग्स दैट आई डू इन माई लाइफ, किस तरह का आपको अच्छा लगेगा, मिक्स एंड मैच. सो डू लेट मी नो दैट, दैट वुड रियली हेल्प मी. ये वीडियो बनाने का वन ऑफ द मेजर रीजन्स वॉज दैट. इसके अलावा अपडेट्स में अदर देन द वेबसाइट, यानी आप लोगों को वेबसाइट के बारे में तो पता ही है, वेबसाइट जब आप मेरी सारी वर्कशीट सेट्स खरीद सकते हो, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है. मीरा से रिलेटेड अगर आपके दो बच्चे हैं और मीरा की एज ग्रुप की आप एक्टिविटीज़ और ये सब में इंटरेस्टेड है, तो वो भी मैं थोड़ा इंक्लूड करना शुरू करूँगी. मीरा को हम इस साल तो प्री स्कूल में नहीं भेज रहे, यानी अथर को वी हैड स्टार्टेड सेंडिंग एट अराउंड 21 months. मीरा इज़ ऑलमोस्ट 20 months नाउ, यानी 20 महीने की वो हो चुकी है. सो आइडियली अगर हम अथर वाला ही पैटर्न इस्तेमाल करते तो नेक्स्ट 1 or 2 months में भेजते, लेकिन अथर के टाइम पे वी हैड सम चैलेंजेस बिकॉज दोनों का वर्किंग फ्रॉम ऑफिस वाला सीन था, एंड तो हमको भेजना पड़ा था अथर को. बट विथ मीरा ए, क्योंकि मैंने अथर के एक्सपीरियंस से ये रियलाइज़ किया है कि ठीक है, इट्स गुड टू सोशलाइज एंड ऑल ऑफ दैट, बट 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद भी करना शुरू करेंगे तो प्रोबेबली थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगी मीरा, क्योंकि अथर के साथ जो सेटलिंग डाउन पीरियड था वो बहुत बुरा था, रोना धोना इतना हुआ था, एंड अथर बहुत सोशल था तब ये हालत थी. मीरा इज़ नॉट दैट सोशल, यानी ऑब्वियसली शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल जानने वाले लोगों के साथ, बट स्ट्रेंजर्स के साथ शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल. आई थिंक वो कोविड वाला जो बैच ऑफ किड्स है उसका थोड़ा इम्पैक्ट है, थोड़ा टेम्परामेंटली, यानी अथर मुझ पर क्या है, आई थिंक मीरा का थोड़ा टेम्परामेंट निश्चित टाइप का है, सो शी टेक्स टाइम टू ओपन अप. तो इसलिए मैं वो स्ट्रेस अभी उसको नहीं देना चाह रही, ना खुद लेना चाह रही हूँ कि मैं उसको भेजूँ. प्लस मैंने देखा है कि बहुत बार ये कंसर्न होता है कि सेकेंड किड्स को इतना आप टाइम नहीं दे पाते, या जो भी उनका थोड़ा सा लर्निंग कर्व स्लो हो जाता है कभी कभार, बट थैंकफुली वो उतना मुझे मीरा के साथ अभी फील नहीं हो रहा है. यानी शी स्टार्टेड टॉकिंग प्रॉपरली, पूरा पूरा कॉन्वर्सेशन करती है, पूरे सेंटेंसेस बोलती है, सारे वर्ड्स अच्छे से बोलती है, सब समझती है जो आप कह रहे हो. सो यू नो स्पीकिंग पर्सपेक्टिव से शी इज़ लाइक अथर्व की ही लाइन पर चल रही है. अथर भी एट दिस एज वॉज फुल प्रॉपर तोते की तरह बातें करता था, सो आई थिंक वो अथर को ही देख देख के बहुत सारा कुछ तो सीख गई है. सो शी इज़ डूइंग दैट प्रॉपरली. स्पीच क्लैरिटी मीरा की उतनी नहीं है जितनी अथर्व की थी एट दिस एज, फॉर द सिंपल रीज़न कि अथर्व को हमने बोलना सिखाया था, तो इट वॉज़ लाइक हम ध्यान दे दे के पंक्चुएट कर करके बोलते थे कि कैट या सोना, तो यू नो ही पिक्ड अप एवरीथिंग. यानी क्लैरिटी भी उसकी बहुत थी, वर्ड्स बहुत क्लियरली बोलता था वो.
मीरा के साथ आई थिंक वो वाला पार्ट हमने इतना नहीं किया, वो देख देख के ही सबको सीख रही है, खास करके अपने भाई को, तो वो स्पीच क्लैरिटी धीरे धीरे करके आ जाएगी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा वो घर पे सब देख देख के काफ़ी कुछ सीख गई है, तो आई थिंक आई डोंट वॉन्ट टू सेंड हर अभी, तो एटलीस्ट अभी क्या मार्च चल रहा है तो मैं ये साल निकाल दूँ ऐसा सोच रही हूँ कि मे बी नेक्स्ट जनवरी के आसपास आई विल स्टार्ट सेंडिंग हर, क्योंकि वैसे भी सेकेंड हाफ में भेजने का मतलब नहीं है, मैंने रियलाइज़ किया एटलीस्ट फॉर मी। अर्थर के टाइम पे हमने अगस्त में एनरोल करवाया, फिर छुट्टियाँ आ गई अगस्त वाली, फिर वापस सेटल करने में दिक्कत हुई, फिर दिवाली की छुट्टियाँ आ गई, नहीं वो दशहरे वाली छुट्टियाँ आ गई, फिर सेटल करने में डिफ़िकल्टी हुई, सो वो पूरा साल उसका सेटलिंग इन में ही निकल गया। हालांकि बच्चे स्कूल में फेस्टिवल्स और ये सब सेलिब्रेट करते तो मज़ा आता है, बट एटलीस्ट अभी तो मेरा ये इंटेंट है कि मीरा को इस साल ना भेजूँ, बट यू नेवर नो, यानी अगर लगा कि इट्स गेटिंग टू मच या यू नो शी इज़ रेडी टाइप्स भी लगा तो आई माइट कंसिडर डूइंग दैट। तो या मीरा के परस्पेक्टिव से वो है, मीरा का अभी भी यानी खाना पीना ठीक हो गया, उसका दांत वात उसके थोड़ा सा टीदिंग स्लो है मीरा का, सो शी हैजंट गॉट ऑल हर टीथ, इन फैक्ट उसके 10 दांत आए हो गए और अराउंड नहीं 12 दांत आए हैं और 8 दांत आने बाकी है। आई थिंक बाई 2 ईयर्स यूजली आ जाते हैं सारे बच्चों के, बट आई हैव सीन इट कि मीरा का थोड़ा सा स्लो है, सो लेट्स सी, बट स्टिल शी ईट्स एवरीथिंग सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी अब उसका वीनिंग भी शुरू करवाना है ब्रेस्ट फीडिंग से, सो वो सब जब करूँगी आई विल शेयर दोज अपडेट्स, बट या मोर और लेस बच्चों के लेवल पे अपने लेवल पे दिस आर ऑल द अपडेट्स दैट आई हैड, एंड दिस वॉज नॉट इवन एन अपडेट वीडियो, आई डोंट नो वट वॉज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, बट या मैंने आके सब बोल दिया जो जो अभी चल रहा है, जो जो मेरे दिमाग में था, और कुछ कुछ चीज़ों में आप लोगों की हेल्प मांगी है, इनपुट्स मांगे हैं, तो प्लीज़ वो शेयर करिएगा, दैट वुड रियली हेल्प, खास करके यूट्यूब चैनल का क्या करूँ परस्पेक्टिव से। एंड आके हमें जूनियर गुरुकुल वाले इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम लोग छोटी 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 लर्निंग से रिलेटेड यू नो चीज़ें टिप्स ये सब शेयर करते रहते हैं, दैट वुड रियली हेल्प यू। बाकी डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम के इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कीजिए, यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय बाय।